Hey, what's up guys? This is Rahul and you are watching Indian Tech YouTube channel. So दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि अभी WhatsApp में अगर किसी को अगर गलती से कोई अगर SMS को सेंड करते हो तो बाद में आप उस SMS को डिलीट भी कर सकते हो, लेकिन शायद आपको ये भी पता होगा कि उस डिलीट किए हुए मैसेज को आपको किस तरह से देखना है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले और एक वीडियो बनाया था WhatsApp के अपडेट के बारे में, जिसमें बताया था कि आप डिलीट किए हुए SMS को आप किस तरह से देख सकते हो। सो उस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है सो उसके लिए मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, सो उस जगह से उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इससे भी बड़ी और एक अपडेट के बात करने जा रहा हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि WhatsApp में आपको अगर कोई अगर इमेज अगर सेंड करते और बाद में अगर उसको डिलीट भी कर देते तो उसको रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है, वो रिकवर होता ही नहीं है। अभी तक ऐसा कोई ट्रिक नहीं है शायद, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके जरिए आपको अगर कोई अगर इमेज अगर सेंड करते और बाद में अगर उसको अगर डिलीट भी कर देते तो फिर भी आप उस इमेज को देख सकते हो। सो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाले हैं, सो इस वीडियो को बिल्कुल फास्ट से एंड तक देखिए। लेकिन सबसे पहले अपने अगर हमारे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो घंटी का आइकन है उसको भी जल्द से इनेबल करें। सो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास देखो दो फ़ोन है और मैं इस फोन से मैं आपको SMS और इमेज ये दोनों को सेंड करने वाला हूँ इस फोन पर, और उसके बाद इसको मैं इस जगह से डिलीट करके फिर से आपको इसमें रिकवर करके दिखने वाला हूँ कि किस तरह से आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इस फोन में थोड़ा सा सेटिंग करना है, तो इस फोन को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। और इस फोन में सबसे पहले आपको WhatsApp में आपको बैग आना है और उसके ऊपर जो 3 डॉट है इसमें आपको क्लिक करना है, और ये जो सेटिंग है इसमें आपको क्लिक करना है, और इसमें जो डेटा एंड स्टोरेज यूजेस है तो इसमें आपको क्लिक करना होगा, और इसमें देखो मीडिया ऑटो डाउनलोड जो लिखा है इसमें जो व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा तो वो जो लिखा है इसमें आपको फोटो ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंट अब जो भी आपको रिकवर करना है तो उन सभी को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं सर फोटो को रिकवर करने वाला हूँ, तो सर फोटो में टिक मार्क करके आपको ओके में क्लिक करना है। सर इसमें आपको इतना ही करना है और उसका बिल्कुल बैग आना है, और उसके बाद आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले देखो ऐप लिंक मिल जाएगा, तो उस जैसे उस आपको डाउनलोड करना है। तो वो जो ऐप है उस ऐप का नाम है हाइट, ये जो लिखा है हाइट, तो इसको आपको डाउनलोड करना है। तो इसी ऐप को आपको चाहिए, तो इस ऐप को मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद इसको ओपन करना है और इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना है। तो जैसे कि मैं आपको सभी स्टेप बाय स्टेप दिखाया था, तो इस वीडियो को बिल्कुल फास्ट से एंड तक देखिए, कोई भी स्टेप को आप स्किप मत कीजिएगा। तो ये पर साइड में स्वाइप करते हैं, फिर से स्वाइप करना है, और ये पर देखो लिखा है इनेबल एक्सेसिबिलिटी, तो इसमें आपको क्लिक करना है, और उसके बाद ये पर जो हाइड है इसको आपको नोटिफिकेशन एक्सेस में आपको अलाउ करना है, तो इसको अलाउ कर देते हैं, तो अलाउ, और उसको आपको फिर से बैग आना है, और ये जो हाइड है इसमें आपको सभी परमिशन को अलाउ करना है, तो ये इसको अलाउ कर देते हैं। और ये हमारा सब कुछ कंप्लीट सेटअप हो गया है, और अभी आपको बिल्कुल बैग आना है, और अभी आपका फ़ोन बिल्कुल रेडी हो गया है। आपको अभी अगर कोई भी अगर WhatsApp, Facebook, Twitter या फिर किसी भी जगह पर आपको अगर SMS करते हैं या फिर फोटो को अगर सेंड करते हैं और बाद में इसको अगर डिलीट भी कर देते फिर भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो अभी मैं जैसे कि आपको ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ, तो इस फोन को साथ में रख देते हैं, और इस फोन से मैं एक SMS और एक फोटो को सेंड करके मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं इस जगह से एक SMS को सेंड कर देता हूँ, तो हाई लिख के मैंने सेंड कर दिया, ये देखो SMS आ गए, और अभी मैं आपको किसी भी एक फ़ोटो को शूट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक मेरे फ़ोटो एक शूट किया है, और अभी मैं इसको एक बार सेंड कर देता हूँ, ये मैंने सेंड कर दिया है और ये जा रहा है, ये देखो चला गया है, इसमें भी देखो आ गए, और अभी मैं इस जगह से दोनों मैसेज को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो हाई जो इसमें से इसको और इस फोटो को दोनों को डिलीट कर देते हैं, ये डिलीट जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इस जगह पर भी दिखा देता हूँ। तो ये पर WhatsApp को एक बार ओपन कर लेते हैं, और ये पर इस जगह पर देख सकते हैं, ये देखो ये हाई और ये जो फोटो है ये आ गए, और अभी मैं इस जगह से दोनों को डिलीट कर देता हूँ, डिलीट फॉर एवरीवन, तो इसमें क्लिक कर लेते हैं, ये देखो देखो दोनों डिलीट हो गए, इसमें भी देखो डिलीट कर दिए और इसमें भी डिलीट हो गए। और अभी मैं आपको इस फोन पर मैं इसको रिकवर करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बैग आना है, और आपको मैंने जो हाइड आपको डाउनलोड करने के लिए कहा था तो उसे आपको फिर से ओपन करना है, और इसमें देखो अभी भी देखो ये पर देखो लिखा है फ़ोटो, तो ये जो WhatsApp जो हमारा जो कॉन्टैक्ट है इसको ओपन कर लेते हैं, और इसमें देखो ये देखो जब मैंने मैसेज किया था हाय ये पर देखो वो आ गए, और नीचे देखो फ़ोटो लिखा है लेकिन इसमें फ़ोटो शो नहीं हो रहा है, तो इसमें आपको क्लिक करना है फ़ोटो में, और फिर भी देखो आपको कोई भी इमेज को आपको शो नहीं हो रहा है, तो आपको साइड में स्वाइप करना है, फिर से स्वाइप करना है, और ये पर जो लिखा है डिलीटेड इमेजेस, तो इसमें आपको जाना है,
और इस जगह पर, यह पर आप देख सकते हो ये हमारा जो फोटो है वो यह पर देखो बिल्कुल सेव है, ये बिल्कुल भी डिलीट नहीं हुए, ये हमारे व्हाट्सएप में डिलीट हो गए लेकिन इस जगह पर हमारा सेव है। सो इस तरह से आप किसी भी रिलेटेड SMS या फिर फोटोज़ को आप रिकवर कर सकते हो। सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर को जल्द से लाइक कर दीजिए और उसी के साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों से शेयर भी कीजिए। सो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। सो तब तक के लिए अलविदा।